महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधायक कैंपियरगंज श्री फतेमापुर सिंह जी, विधायक पिपराई श्री महेंद्रपाल सिंह जी, विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री नितिन सिंह जी, विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधायक फजली श्री राम चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य श्री दुर्गेश बजाज जी, पवन त्रिपाठी जी, राधेश्याम श्रीवास्तव जी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में राप्ती नगर विस्तार की योजना के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित गोरखपुर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, 1900 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इतनी शानदार योजना जिसमें एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण होने जा रहा है, स्टेडियम भी है, क्रिकेट के लिए भी है, फुटबॉल के लिए भी है, एथलेटिक ट्रैक भी है, सिंथेटिक ट्रैक होगा और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए तो टेबल टेनिस के लिए भी होगा, चेस के लिए भी होगा, बैडमिंटन के कोर्ट भी होंगे और शूटिंग रेंज भी होगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, जिसे उन्होंने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रारंभ किया था, फिट इंडिया मूवमेंट और फिर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, इस समय देश के सभी जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर भारत सरकार बना रही है, तो खेलो यूपी सेंटर हर विकास खंड स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार भी बना रही है और गोरखपुर महानगर के अंदर ये स्टेडियम के साथ साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, इन सब के लिए सुविधा गोरखपुर विकास प्राधिकरण उपलब्ध करा रहा है, आवासीय सुविधा भी और खेलकूद के लिए बेहतरीन सुविधा भी। यह इसका भी आज शिलान्यास हुआ है और साथ साथ राप्ती नगर विस्तार की आवासीय योजना का, इसमें फ्लैट भी मिलेंगे, हाईराइज बिल्डिंग भी बनेगी, प्लॉट भी मिलेंगे, अन्य तमाम प्रकार की हर कैटेगरी के लोगों को लो हर प्रकार की सुविधा। अभी से रवि किशन के मुंह पे भी पानी आ रहा है, वो कह रहे थे कि उन्होंने रामगढ़ ताल में ले लिया, अब वे यहां भी सोच रहे हैं कि यहां पे फ्री में वहां तो तैरने के लिए मिलता है, यहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन खेलने के लिए मिलेगा, वॉकिंग ट्रैक पे वहां पे दौड़ने के लिए भी मिलेगा और क्रिकेट और फुटबॉल खेलने का भी अवसर प्राप्त होगा। मैंने कहा कि भाई देखो, अब स्टेडियम के चक्कर में मत पड़ो, अब चुनाव की दिशा तैयारी करो, पब्लिक अपने आप फुटबॉल बना देगी। रवि किशन की फिल्म देखे हैं ना, कितने लोग देखे हैं? तो लोग देखे हैं ना, अच्छी लगी ना, फ्री में या पैसा देके? फ्री में देखेंगे ना, पैसा लेते हैं लेकिन वो नहीं लेते होंगे, होली में दिखाएंगे। हाँ, होली में सबको फ्री में। लेकिन एक कलाकार
अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए विकास में भी रुचि लेकर के गांव गांव गली गली आपके बीच में घूमता है, विधायकों को साथ लेके चलता है, विधायक गण प्रस्ताव बनाते हैं, वो जमीनी धरातल पर पड़ते हैं और परिणाम विकास आपके सामने होकर के आता है। यही होती है विकास और यही चीज दिखा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, प्रदेश विकसित भारत होगा। विकसित भारत का मतलब हर चीज की सुविधा जनता जनार्दन को उपलब्ध होगी, बिना भेदभाव के उपलब्ध होगी। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा होगा, हमारा भारत बदल चुका है 10 वर्ष में। ये भारत आज दुनिया का सिरमौर बनने की ओर अग्रसर है। सुरक्षित भारत है, समृद्ध भारत है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भारतवासी से कहा है, हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। मेरे साथ बोलेंगे, हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोरखपुर आवश्यक है। और जो फर्टिलाइजर, ये 4 लेन की सड़क, मेडिकल कॉलेज, एम्स, रामगढ़ ताल, नए नए विश्वविद्यालय, इंटरनेशनल स्टेडियम, ये राप्ती नगर विस्तार का कार्य, गुड़गावा नाले का सुंदरीकरण का कार्य, ये सभी विकसित गोरखपुर की नई पहचान बनने जा रहे हैं। नई पहचान और उसके साथ जुड़ेगी आपकी पहचान। ये सभी कार्य पूरे होंगे तो आपकी इनकम को भी ये बढ़ाएंगे, हर व्यक्ति की इनकम को बढ़ाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेंगे। और बहनों भाइयों, इसीलिए इन योजनाओं के लिए आज फिर मैं यहां पर आया हूं, यहां पर फिर से आया हूं कि जिससे इसका लाभ यहां के युवाओं को मिल सके, गरीबों को मकान सस्ते में उपलब्ध हो सके। अब हर व्यक्ति तो रवि किशन की तरह खरीद नहीं सकता महंगा महंगा मकान, हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप मकान भी चाहिए। किसी को LIG का, किसी को MIG का, किसी को HIG का, किसी को PM आवास योजना का, किसी को प्लॉट चाहिए, किसी को अन्य चीजें चाहिए। ये सभी प्रकार की सुविधा का लाभ हर व्यक्ति को जब प्राप्त होगा तो तब व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली आएगी और उस खुशहाली के लिए ही आज यहां पे 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लेकर के हम सब यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, इसमें यहां पे स्पोर्ट सिटी के साथ ही करोड़ रुपए इस कार्य के लिए स्वीकृत हुए हैं और ये कार्य यहां पर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही शहर की गली मोहल्ले से जुड़े हुए तमाम अन्य कार्य, जिन कार्यों को यहां पर आज लोकार्पित किया जा रहा है, कहीं RCC की सड़क है, कहीं नाली का कार्य है, शहर के अंदर विकास प्राधिकरण ने हर विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद के और विद्यालय में स्मार्ट क्लास दे दी है। यानी अब स्मार्ट सिटी ही नहीं, स्मार्ट क्लास भी होगी और स्मार्ट युवा भी होगा। यानी रवि किशन के साथ, रवि किशन स्मार्ट है इसलिए हीरो बन गया, हमारा हर युवा अब स्मार्ट बनेगा, हमारा शहर भी स्मार्ट बनेगा और स्मार्ट सिटी का स्पोर्ट सिटी राप्ती नगर विस्तार में, यहां की गली मोहल्लों में अच्छा कार्य हो रहा है, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो रही है, सिवर लाइन पड़ रहा है, पेयजल की उचित व्यवस्था हो रही है, हर सुविधा से संपन्न गोरखपुर हो रहा है और गोरखपुर की सभी योजनाओं के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश आज जिस ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, 10 वर्ष में देश 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है,
अगले 3 वर्ष महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल अगले 3 वर्ष के अंदर भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना, भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होने का मतलब आप जानते हैं, हर व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी, कई गुना बढ़ जाएगी, जो सुविधा अभी आपको प्राप्त हो रही है, किसी को राशन की सुविधा, किसी को मकान की सुविधा, किसी को शौचालय की सुविधा, किसी को आयुष्मान भारत की सुविधा, किसी को उज्ज्वला योजना की सुविधा, किसी को रोजगार की सुविधा, किसी को पीएम विश्वकर्मा की सुविधा, किसी को कन्या सुमंगला की योजना, किसी को मातृवंदना की योजना, किसी को जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा की योजना, ये जितनी भी योजनाएं हैं ये सभी आपके जीवन में परिवर्तन का कारक बनने जा रही है। यानी ये सभी योजनाएं आपको एक नई पहचान देने जा रहे हैं। और अभी तो इतना दिया है, आप देखना जब भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा तो हर व्यक्ति आच्छादित होगा, सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, 100% सिचुएशन हर व्यक्ति। इसके लिए बड़े कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़ने वाले आईडी फैमिली आईडी प्रारंभ करने जा रहे हैं। फैमिली आईडी में इस बात को पूरा तय किया जा रहा है किस परिवार में कौन सा व्यक्ति है, क्या काम करता है। अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति के पास कोई कार्य नहीं है, सरकार और प्रशासन उसके पास जाकर के उसको कोई कार्य उपलब्ध करवाएगी। किसी परिवार के पास मकान नहीं होगा, आपको कार्यालय के पास नहीं जाना होगा, सरकार आपके पास आएगी, कहेगी लीजिए भाई आपका भी ये मकान है। अब रवि किशन के पास ही मकान नहीं होगा, हर व्यक्ति का मकान होगा। किसी के पास शौचालय नहीं है, उसको शौचालय उसके घर में जाके दे देगी। किसी के पास राशन कार्ड नहीं, उसके घर में रहकर राशन कार्ड दे देगी। किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं, उसके घर में जाके आयुष्मान कार्ड दे देगी। इस फैमिली आई कार्ड को भी बहुत शीघ्र हम जारी करने वाले हैं। बहनों भाइयों, ये नया भारत है और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में युवा के लिए आजीविका भी है और आस्था को सम्मान भी है, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा भी है, तो देश की समृद्धि के लिए भी व्यवस्था है। और जब इस साथ मिलकर के काम करते हैं, एक तरफ विरासत का सम्मान, दूसरी तरफ विकास के लिए पूरी मेहनत करके व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तब परिणाम आते हैं। और विकास और विरासत की इस राजनीति को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, इस स्पोर्ट्स सिटी का उपयोग पूरा महानगर ले लेगा। फर्टिलाइजर, मानबेला, आसपास के फतेहपुर, यहां आसपास के जितने भी गांव हैं हमारे, सभी लोग यहां पे लेंगे। और नहीं तो एक समय क्या था, प्रधानमंत्री मोदी जी की 2014 में सभा होनी थी और सभा के लिए उस समय की सरकार सहयोग नहीं कर रही थी, एचयूआरएल में हमें स्थान नहीं दिया गया, तो हम लोगों ने यहां पे जो आज हमारे पार्षद हैं उनसे मैंने कहा और उनके सहयोग से फिर यहां पर कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इस जगह को साफ किया। यहां पे बड़ा बड़ा घास जमा हुआ था और तब यहां पे मोदी जी की बहुत बड़ी सभा हो पाई थी, बहुत बड़ी सभा, 2000 आज से 10 साल पहले, ठीक 10 साल पहले सभा, यही मोदी जी की पहली सभा हुई थी। और आज 10 वर्ष में हम लोगों ने कितना परिवर्तन किया, परिणाम क्या है, जिन लोगों ने समाज को बांटने का काम किया था उन्होंने यहां लोगों को तबाह करने का काम किया, मुआवजा नहीं दिया था यहां के लोगों को, हमारी सरकार आई हमने यहां के किसानों को मुआवजा दिलाने का काम भी किया, यहां की समस्या का समाधान भी किया। हम समस्या रखते नहीं, हम समाधान पर विश्वास करते हैं। जो लोग बांटने का काम करते हैं उन्होंने समस्याएं दी थी, उन्होंने जाति की समस्या भी दी, उन्होंने विभाजन की समस्या भी दी, तमाम वादों के आधार पर भी बांटा और साथ साथ हर तबके का, हर जाति, हर मत, हर मजहब का शोषण भी किया। हमारी सरकार आई, वनिंजन की सरकार आई, यहां की सारी समस्या का समाधान किया, हर किसान को उसका कंपनसेशन दिया गया, सम्मानजनक कंपनसेशन दिया गया। और आज रात्रि नगर विस्तार का कार्यक्रम स्पोर्ट्स सिटी के रूप में
और आवासीय सुविधा के रूप में विस्तार दे रहा है, एक नया गोरखपुर के रूप में पहचान बना रहा है। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य जब होंगे यहां की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, हर चेहरे पर खुशहाली आएगी, विकास का लाभ हर तबके को प्राप्त होगा, पूरे शहर को प्राप्त होगा, पूरे जिले को प्राप्त होगा, पूरा पूर्वांचल यहां से जाएगा, इसका लाभ लेगा। मैं देखता हूं गोरखपुर में कोई शूटिंग रेंज नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं, एक हमारा नेशनल प्लेयर शूटिंग में इंटरनेशनल प्लेयर है, वो यहां से बाहर जाकर के ट्रेनिंग लेता है, यूपी के बाहर जाकर ट्रेनिंग लेता है। अब यहां गोरखपुर में बनेगा तो गोरखपुर में न केवल वह गोरखपुर को पहचान देगा बल्कि यहां के नए युवाओं को भी इसमें पारंगत होने का अवसर देगा। तमाम तरणताल आएंगे, तैराकी के नए नए यहां पर कार्यक्रम बनेंगे, नए एथलेटिक पैदा होंगे, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, इन सब में भी यहां के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। गरीब को मकान मिलेगा, हर तबके को उसकी रुचि का आवास मिलेगा और साथ साथ युवाओं के लिए खेलकूद के लिए बेहतरीन केंद्र भी यहां पर विकसित होगा। इसके लिए मैं आप सबको जब ये 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ राप्ती नगर विस्तार के 1800 करोड़ रुपए की परियोजना आज लॉन्च की जा रही है, इसके लिए मैं महानगर वासियों को बधाई देता हूं, इससे लाभान्वित होने वाले जो लोग होंगे उन सबको मैं हृदय से अभी से बधाई देता हूं। होली की ये मंगलमय शुभकामना है महानगर वासियों को, हम सब भी इस बारे में ध्यान दें। इन्हीं सकारात्मक कार्यों का परिणाम है देश के अंदर आज एक आवाज आ रही है, एक स्वर है, पूरे देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक ही स्वर है और वह है 24 के स्वर कि फिर एक बार पीछे तक बोलो, पीछे तक फिर एक बार हाथ खड़ा करके बोलो, फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर खुशहाली के लिए फिर से मोदी सरकार आवश्यक है और मोदी सरकार के लिए ही आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। हम प्राण से भी से जुट करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे इस विश्वास के साथ ये 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए गोरखपुर महानगर वासियों को, सभी जो लोग आवास यहाँ पे प्राप्त करेंगे और जो यहाँ प्रशिक्षण लेंगे, इन सबको अग्रिम मंगल में शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय जय श्री राम।